हाय, दिस इज मनीषा सिंह। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल करके आ रही है IBPS की तरफ से क्लर्क की पोस्ट के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता कि IBPS क्या होता है, उन्हें बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल यानी IBPS की तरफ से आपको हर साल बैंक में PO, क्लर्क एंड SO की पोस्ट के लिए वैकेंसीज यानी रिक्रूटमेंट की जाती है। तो हर साल की तरह इस बार भी आपका IBPS कलर के लिए आपका जो 13 नंबर की वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, वो आ चुकी है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि IBPS कलर के लिए वैकेंसी आई है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 4045 है, बट लास्ट ईयर यहाँ पे सीट्स आपको 6000 प्लस था। और उम्मीद यहाँ पे ये भी लगाया जा रहा है कि सीट्स को बढ़ा के आपको 5500 प्लस कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि सीट कम कर दिया है तो कट ऑफ हाई जाएगा। यार, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका तो सिलेक्शन होना ही है। तो सीट्स कुछ भी रहे, आपको तो एक सीट से मतलब है ना, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करो और इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है। जो आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2023 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 21 जुलाई 2023 रहने वाला है। बट आपको 21 जुलाई का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो आप अगर चाहते हो फॉर्म अप्लाई करना तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एज लिमिट आपका एज ऑन 1 जुलाई 2023 कैलकुलेट होने वाला है, जिसमें आपका फ्रेंड्स मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो IBPS की तरफ से ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन भी कैंडिडेट का बर्थ 2 जुलाई 1995 टू 1 जुलाई 2023 के बीच हुआ है, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, OBC को 3 ईयर्स के लिए, SC ST को 5 ईयर्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और बाकी जो कैटेगरी है उनमें भी कुछ कुछ को मिला है एज रिलैक्सेशन। मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा, मैंने वहाँ पे दिखा दिया, आप अच्छे से देख लो, समझ लो। फॉर्म की फ़ी की बात करूँ तो SC ST और फिजिकली जो आपका हैंडीकैप्ड पर्सन है उनसे 175 रुपीज़ लिया जाएगा। वहीं जनरल एंड अदर कैटेगरी के स्टूडेंट से यहाँ पे 850 रुपीज़ आपका फॉर्म का फ़ी रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका है कि एज ऑन आपको 21 जुलाई 2023 आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, बस आप ग्रेजुएट हो तो ये काफ़ी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज होना चाहिए, जिसमें आपका सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिग्री है, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। प्लस में आप जिस भी स्टेट का फॉर्म अप्लाई करोगे आपको वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज पूछ रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आपको वो आता है तो वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, आप जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे ना, आपको वहाँ जा करके एग्ज़ाम देना होगा। तो आप पहले एक बार देख लेना अच्छे से, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम सेंटर को चूज़ करना या फिर स्टेट प्रेफरेंस को चूज़ करना। यहाँ पे जो है आपको टोटल 11 बैंक्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
वैसे तो आपको पहले बता दी हूँ कि आपका जो टोटल सीट्स है वो 4045 है, पर स्टेट वाइज जो है वैकेंसी को डिवाइड किया गया, तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस स्टेट के लिए आपको कितना सीट्स यहाँ पे आया है। तो चलिए मैं एक दो स्टेट के आपको ऐसे बता देती हूँ। आपको जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के लिए 77 है, अरुणाचल के लिए 6 है, असम के लिए 77 है, बिहार के लिए 210 है, चंडीगढ़ के लिए 6 है। अदरवाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स टू रिमाइंडर जो आपके लिए रहने वाले हैं, मतलब कि एग्ज़ाम का डेट, आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त या सितंबर, मतलब अगस्त के लास्ट या सितंबर के स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा, और आपका मेंस का पेपर अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपको अभी से अच्छे से आपके प्रिपरेशन को, स्पीड को बूस्ट कर देना है। और सबसे खुशी की बात तो ये है फ्रेंड्स कि आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको अप्रैल 2024 में मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो अप्रैल 2024 में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी और आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो मैं आपको सिलेक्शन की प्रोसेस समझा देती हूँ। सिलेक्शन की प्रोसेस आपका टू स्टेज होता है। प्री यानी कि आपका जो ऑनलाइन CBT 1 एग्ज़ाम होता है उस वो होता है, देन आपका मेंस यानी कि ऑनलाइन CBT 2 होता है। आपका प्री जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका जो मेरिट डिसाइड होता है वो आपको मेंस के बेसिस पे होता है। सो चलो हम लोग अभी प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है, 60 मिनट्स का पेपर होता है। बट यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का तो है 60 मिनट में, पर आपको सेक्शन वाइज होता है। यहाँ पे आपको तीन सेक्शन होता है, इंग्लिश, मैथ्स एंड आपको रीजनिंग का होता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और आपको 20 मिनट्स में इसको सॉल्व करने होते हैं। जब आप इंग्लिश का पेपर आप सॉल्व करो ना करो, 20 मिनट्स होगा, इंग्लिश का सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मैथ्स का सेक्शन आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और ये भी आपका 20 मिनट्स का रहेगा। ये 20 मिनट खत्म होगा तो फिर आपका अगला सेशन आ जाएगा, जैसे कि रीजनिंग का आ जाएगा 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स में, और आप सॉरी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट्स में आपका जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो टोटल आपका 60 मिनट का होगा, सेक्शन वाइज 20-20 मिनट्स में डिवाइडेड रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। तो ये बस क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना है तब जाके आप मेंस के लिए सिलेक्टेड होंगे। मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपका 190 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का, और टाइम 160 मिनट होता है। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन होता है जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस का, 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 मार्क्स का रहता है और 35 मिनट का ये सेक्शन होता है। उसके बाद जनरल इंग्लिश होता है 40 क्वेश्चन 40 को मार्क्स के और 35 मिनट्स में ये भी सेक्शन कंप्लीट करना है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस मैक्सिमम 60 मार्क्स के होते हैं और आपका 45 मिनट्स में होता है। क्वांट आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 45 मिनट्स में होता है। तो आपका ओवरऑल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 160 मिनट्स का आपका पेपर होगा। ये पेपर आपका मेरिट को डिसाइड करता है। देन आपका फ्रेंड्स जो ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा सैलरी होता है। वो आपको 19,900 टू 47,920 रुपीज़ के बीच का होता है। ये इसमें आपको हर साल अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो सैलरी अच्छी खासी होने वाली है। तो चलो मैं आपको आपके वर्क यानी कि जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दूँ। ऑफिशियल वर्क है ग्रुप सी का ये जॉब है। कंप्यूटर पे जॉब करना होगा, आपको नया अकाउंट ओपन करना होगा, कैश कलेक्शन होगा, बैंक स्टेटमेंट आप इशू करोगे, आपको हैंडलिंग मेल मतलब कि मेल भेजना है या फिर रिसीव करना है, किसी का पासबुक अपडेट करना है। तो ये सब जो आप देखते होंगे, आप भी बैंक में जाते होंगे तो जो क्लर्क्स होते होंगे, इतना काम तो सबको करना ही पड़ता है। सो बहुत अच्छी आपको जॉब रहने वाली। और जॉब लोकेशन के बारे में आपको बता दूं कि फॉर्म फिल करते टाइम आप जिस भी स्टेट का प्रेफरेंस दोगे, अगर आप वहाँ के कट ऑफ को पार कर लेते हो तो आपका जॉब जो है उसी स्टेट में आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने जो भी डिटेल आपको प्रोवाइड किए हैं IBPS क्लर्क 13 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में कोई सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आप जो है
कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मैंने जो नोटिफिकेशन है उसका डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, मनीषा सिंह जॉब अपडेट्स चैनल पे, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, नोटिस को समझ सकते हो। और अगर आप लोग और ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा दो चैनल है, एक अगर आप जनरल नॉलेज का क्विज आप देखना चाहते हो, अपना स्पीड बूस्ट करना चाहते हो जीके जीएस का, उसके लिए है। सेकेंडरी आपका जो ये जॉब अपडेट के लिए है जिसमें मैं सारे जो फॉर्म आते हैं उसके नोटिस वगैरह डालते रहती हूँ। सो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।